अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इफ़ देन स्टेटमेंट नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट जो है वो एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स के अंदर से हम किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 कंडीशन मौजूद है, उनमें से कोई एक चूज़ करनी है, तो इस चीज़ को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर यानी कि हम इसको बोलेंगे। और इसके अंदर से हम मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने के ऑप्शन को, तो उनमें से किसी तरीके के साथ हम जो है वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए इफ़ देन स्टेटमेंट, ठीक है, फिर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल है कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, और दूसरी सूरत में मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अगर यानी कि अगर बारिश होगी तो कॉलेज नहीं जाऊँगा, तो अब ऐसे है कि अगर बारिश ना हुई तब भी मैं कॉलेज जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस है जिनमें से किसी एक की तरफ मैंने जाना है, ठीक है। तो इस तरह डिसीजन मेकिंग में ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। तो इफ़ देन स्टेटमेंट आज हमने स्टडी करनी है, ये भी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, ठीक है, 2 कंडीशन हमें बताई जाती हैं कि अगर ये चीज़ होती है, ठीक है, तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं होती, वो कंडीशन पूरी नहीं होती, तो फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी नहीं, ठीक है, हमारा प्रोग्राम आगे चलता रहेगा, ठीक है। यानी जैसे मैंने बारिश की मिसाल दी कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर मैं कॉलेज जाऊँगा। अब कॉलेज जाना एक स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रोग्राम में आप समझ लो कि स्टेटमेंट जो है वो कॉलेज जाना है, ठीक है, और बारिश ना होना ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, यानी कि इफ़ नॉट रेनिंग देन आई विल गो टू कॉलेज, ठीक है, अगर इसको मैं इफ़ देन के ज़रिए रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। और अगर दूसरी सूरत है, यानी कि बारिश है, ठीक है, दूसरी सूरत में यही हो सकता है, तो उस सूरत में कॉलेज यानी कि मैं जाऊँगा ही नहीं, तो फिर वो स्टेटमेंट चलेगी नहीं बिल्कुल, ठीक है, हमारा प्रोग्राम आगे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इफ़ देन स्टेटमेंट होती है, ये यानी कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरतीब को चेंज कर सकता है, ठीक है। इफ़ देन स्टेटमेंट यानी कि इससे मुराद ये है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आगे एक इफ़ स्टेटमेंट आई है, अगर उसकी कंडीशन मैच कर गई, यानी कि वाकई बारिश ना हुई, जैसे वो एग्जांपल है, तो फिर उसका प्रोग्राम बीच में चल जाएगा। तो प्रोग्राम जिस तरह चल रहा था उसमें एक चेंज आ गया, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन नहीं मैच करती फिर प्रोग्राम सीधे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम इस तरह से जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो हमारी चॉइस होती है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन जो है वो लाजमी तौर पर बताई जाती है इफ़ देन स्टेटमेंट में, ठीक है, और अगर वो ट्रू हो, ठीक है, ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स को 0 से। अगर वो ट्रू है तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट उसमें दी होगी वो स्टेटमेंट तब चलेगी, यानी प्रोग्राम का वो हिस्सा उस सूरत में चलेगा कि अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो, ठीक है, यानी वो कंडीशन ट्रू अगर होती है तो फिर वो प्रोग्राम का वो हिस्सा चलेगा जो कि उसकी अंदर स्टेटमेंट में मौजूद है। अदरवाइज़ अगर वो फॉल्स है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो आप देख लो। अच्छा, पहले इफ़ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन वाली जगह, उसके बाद हम देन लिखेंगे
और फिर उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि उस सूरत में चलेगी कि अगर इफ़ वाली कंडीशन मैच हुई तो। ठीक है, अच्छा एक तो ये सिंटैक्स है, एक दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का, उसमें हम इफ़ लिखने के बाद उसी तरह एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं यानी उसकी कंडीशन लिखते हैं, फिर देन लिखने के बाद हम स्टेटमेंट के बजाय लाइन नंबर डायरेक्ट लिख देते हैं और उस लाइन नंबर के ऊपर हम वो स्टेटमेंट्स रख देते हैं जो कि हमने इस कंडीशन की सूरत में चलानी होती है। ठीक है, तो ये दो सिंटैक्स है इसके। ठीक है, इफ़ देन स्टेटमेंट के दोनों तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट का साइड पे एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, कि फ़्लो चार्ट में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो हम राइट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे जो है वो हमने कोई कोड रखा होगा स्पेशल उसका। ठीक है, यानी डिसीजन है ना, इफ़ देन में हम क्या करें, डिसीजन मेकिंग करें कि अगर ये बात ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम राइट साइड पे जाएंगे और उसका जो भी कोड वगैरह वो चलेगा, अदरवाइज़ अगर फॉल्स है तो हम सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में इसको यानी इस तरह से रिप्रेजेंट हम करते हैं इफ देन स्टेटमेंट को। इसके आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा कंप्यूटर पर करके। अच्छा, अब एक प्रोग्राम की एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसके ज़रिए हम एक ट्रेन का किराया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सफ़र के लिहाज से, यानी कि जो मुसाफिर ट्रेन पर सफ़र कर रहा है, ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर तक सफ़र करता है, 5 किलोमीटर या इससे कम, तो फिर उसका किराया 6 रुपये होगा। ठीक है, यानी फिक्स है। और अगर इससे ज़्यादा वो सफ़र करता है तो उस सूरत में उसका जो किराया है वो फिर 0.75 रुपये पर किलोमीटर किराए में जमा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर अगर ज़्यादा सफ़र करता है, 6 किलोमीटर करता है तो 0.75, 7 किलोमीटर करता है तो 0.75 मज़ीद ऐड कर देंगे। ठीक है, वो तकरीबन बन जाएगा 6 के अंदर आप डालें तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 रुपये, तो इस तरह पर किलोमीटर 0.75 रुपीज़ जमा करते जाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होती हैं। वैसे ये क्रीम सर्विस जो चलती है पाकिस्तान में, उसमें भी ऐसे ही है कि कुछ किलोमीटर्स के लिए फ़िक्स होता किराया। ठीक है, इसी तरह दुबई के अंदर भी इसी तरह सिस्टम है कि वहाँ पे मैं टैक्सी पे बैठता था तो उनका 10 दिरहम उन्होंने लेना ही होता है। ठीक है, बेशक आप थोड़ा सा फासला तय करो, ठीक है, 1 किलोमीटर भी ना करो, तो उनका एक फिक्स यानी कि वो होता है कि 10 दिरहम उन्होंने कम अज़ कम लेना है। फिर उसके ऊपर जितना होगा, उस पर मीटर होता है, उसके ऊपर जितना सफ़र करेंगे उस हिसाब से उसका किराया बनता जाता है। ऐसी क्रीम सर्विस के अंदर भी है। अच्छा, तो अब इसका जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले लाइन नंबर 10 में हमने लिखा इनपुट किलोमीटर्स के, यानी कि सबसे पहले हम क्या है कि किलोमीटर यूज़र से पूछ रहे हैं कि उसने सफ़र कितने किलोमीटर किए। ठीक है, अब वो जो वैल्यू इनपुट करेगा कि उसने फ़र्ज करे 8 किलोमीटर सफ़र तय किया है, तो वो जो 8 है वो के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, के अंदर वो जाकर स्टोर हो जाएगा। 20 नंबर लाइन पे हमने लिखा के इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, इफ़, और उसके बाद उसकी कंडीशन है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि अगर के की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम है, यानी कि 5 किलोमीटर या उससे कम अगर उसने सफ़र किया है, तो फिर देन क्या करना है, प्रिंट ₹6। तो फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए कि इसका किराया 6 रुपये बनता है। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर तक सफ़र कर रहा है। उसके बाद कॉलन के बाद हम एंड लिख देंगे। ठीक है, कॉलन डाल के एंड लिख देंगे, यानी प्रोग्राम को इधर ही ख़त्म कर देंगे अगर उसने 5 किलोमीटर से कम सफ़र किया हुआ है। तो
लेकिन अगर उसने 5 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया उस सूरत में क्या करना है, ये कंडीशन यानी मैच नहीं अगर करती इफ़ देन वाली, तो उस सूरत में प्रोग्राम आगे चलेगा, वो लाइन नंबर 30 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर वो कंडीशन मैच करती है तो क्योंकि 20 के एंड के बिल्कुल एंड में हमने एंड लिख दी है, फिर तो प्रोग्राम उधर ही ख़त्म हो जाता है, फिर आगे 30, 40, 50 नहीं चलेंगे। तो लाइन नंबर 30 में हमने एक वेरिएबल बनाया चार्ज एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, ये एक वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, इस पर हमने लिखा 6+k-5 ब्रैकेट में हमने लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.75 एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि 6 रुपये तो उसका नॉर्मल किराया है, ठीक है, जो कि 5 किलोमीटर वाला था, उसमें हमने ये करना है कि k-5 को उसमें पहले हमने ऐड करना है, ठीक है, और k-5 हम इसलिए कर रहे हैं, 5 को माइनस हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 5 किलोमीटर का 6 रुपये किराया है, अगर हम 8 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया है तो फिर के की वैल्यू हमने 8 लिखी होगी, तो 8 में से 5 तो पहले ही माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसके 6 रुपये तो हमने लिख दिए हैं पहले, तो 8 में से 5 माइनस करें 3 बच जाता है, तो उस 3 को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 के साथ, ठीक है, क्योंकि पर किलोमीटर 0.75 रेट है, तो 3 किलोमीटर को फिर 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इस तरह से उसके पैसे बन के 6 के अंदर जमा कर दिए जाएंगे, ठीक है, 6 रुपये में वो पैसे जमा हो जाएंगे। फिर हमने प्रिंट कर देना है इस चार्ज को, ठीक है, ये जो किराया है उसको फिर हम प्रिंट कर देंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह का प्रोग्राम एक बना के तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैंने जो है वो ऑटो लिख दिया, ठीक है, इससे बार बार लाइन नंबर नहीं हमें डालना पड़ता। अच्छा, पहले मैंने लिखा इनपुट के, ठीक है, यानी मैं यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ कि कितना किलोमीटर उसने सफ़र तय किया। अब 20 नंबर लाइन पे मैंने लिखा इफ़ के इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है, देन कंडीशन लिखने के बाद अब आगे मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी प्रिंट। ₹6, ठीक है, स्क्रीन पे यानी 6 रुपये लिखा हुआ आ जाएगा, अगर 5 किलोमीटर तक उसने सफ़र किया होगा, यानी इससे कम या 5 किलोमीटर तक। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलन का साइन डालना था, ठीक है, तो मैं ये सेमी कॉलन हटा के कॉलन कर देता हूँ। अच्छा, आगे मैंने कॉलन के बाद एंड लिख दिया, ठीक है, प्रोग्राम यानी इधर ही ख़त्म हो जाए। अब 30 नंबर लाइन में मैंने एक वेरिएबल बनाया सी के नाम से, ठीक है, सी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको मैंने इज इक्वल टू कर दिया, इसमें मैं आपका किराया कैलकुलेट करूँगा 6+k-5, ये सेम वही चीज़ है जो अभी लास्ट एग्जांपल में था, मल्टीप्लाई बाय 0.75 एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आगे हमने लिखा 40 नंबर लाइन में प्रिंट सी एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये जो किराया कैलकुलेट हुआ है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इसे, ठीक है, उसके बाद इसको एंड कर दिया। अब चला के देखते हैं, ठीक है, रन किया मैंने, मैं अगर किराया डालता हूँ किलोमीटर लिखता हूँ 4, तो लिखा हुआ आगे कि 6 रुपये आपका किराया बनता है। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, अब मैंने लिखा 8 किलोमीटर, तो अब वो कहता है कि 8 रुपये 25 पैसे आपका किराया बनता है, ठीक है, तो ये अब इसका किराया उस लिहाज से हमारा कैलकुलेट करके दे रहा है कि जिस तरह हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल वगैरह मैं आपको करके दिखाता रहा, तो ये आप खुद भी किया करो, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ये इसको साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। अल्लाह हाफिज़।